बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू हनी किचन। आज मैं आपके साथ वन पैन चीज़ ऑमलेट टोस्ट की रेसिपी शेयर करूंगी। आप ये बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हो, बहुत ही ईजी वे से बनता है। और जो बच्चे आपकी सब्जी नहीं खाते उनको आप बना करते हैं तो बहुत ही झटपट बन जाता है और लंच बॉक्स दे तो बेस्ट है। तो चलते हैं न्यूज़ की तरफ। इसमें मैंने ब्रेड ली है, मैं सैंडविच ब्रेड ही लिए, तो ये बड़ी है तो मैंने इसकी दो दो पीसीज इस तरह कर लिए। अगर आपको छोटी है तो आप वो दो छोटी यूज़ करें। चार इसमें मैंने लार्ज अंडे लिए हैं और मैंने इसमें चीज़ स्लाइस ली है। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें केचप लिया है और 2 टेबलस्पून ही मैंने इसमें दूध लिया है और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें मतलब 1/4 मैंने इसमें काली मिर्च का पाउडर लिया है और 1/4 टीस्पून ही मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर लिया है और 1/4 टीस्पून इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली है और 1/2 टीस्पून मैंने इसमें नमक लिया। नमक टेस्ट के मुताबिक इस्तेमाल करें। अब चलते हैं सब्जियों की तरफ। सब्जियों में मैंने लिया है हरा प्याज 1/2 कप कह सकते हैं और 1 मीडियम साइज़ का मैंने इसमें प्याज लिया जिसको फाइनली चॉप कर लिया है मैंने, और 1 टेबल स्पून मैंने हरा धनिया लिया इसको भी फाइनली चॉप कर लिया है, और 1 शिमला मिर्ची मीडियम साइज़ की इसको भी फाइनली चॉप कर लिया है, और 1 टमाटर लिया है स्मॉल साइज़ का जिससे मैं बीज निकाल कर मैंने इसको जो है फाइनली चॉप कर लिया है, और 2 टेबल स्पून मैंने मक्खन लिया है। तो चलते हैं पहले ऑमलेट के जो मिक्सचर है उसको रेडी करने की तरफ। अब मैं एक पैन ले रही हूँ, उसमें बिल्कुल मैं थोड़ा सा जो है मक्खन डाल रही हूँ। मैं सब्जियों को थोड़ा सॉटे करूँगी, इससे ऑमलेट में जो है टेस्ट बहुत मज़े का आता है। इसी तरह ये शिमला मिर्च डाल दूँगी, प्याज और साथ में हरा धनिया और हरा प्याज और टमाटर, और इनको मैं फुल आंच पर 1 मिनट के लिए या 30 सेकंड के लिए मैं इनको सॉटे कर लूँगी। सॉटे बिल्कुल करना है, ना ज़्यादा पकाना नहीं है, बस सॉटे करना है। तो जब आप ऑमलेट बनाएंगे तो बहुत ही यम्मी सी लगेंगी, क्रिस्पी सी। तो अब मैं इनको थोड़ा सा सॉटे कर लूँगी, ज़्यादा नहीं, बस 1 मिनट के लिए। अब एक मैंने बाउल ले लिया और उसमें मैं फर्स्ट 4 अंडे डालूँगी। अगर आपके छोटे हैं तो आप 5 ले लें, अगर लार्ज हैं तो 4 भी बहुत हैं। इसमें आपकी 3 सैंडविच आराम से बन जाएगी, ये बहुत हैवी होते हैं तो आप आराम से 3 सैंडविच बना सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। और सब्जियां जो है वो हमारी सॉटे हो चुकी हैं, तो अगर आपको जल्दी है तो आप वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं सॉटे थोड़ा करके करती हूँ, वो फिर थोड़ा टेस्ट बड़ा मज़े का आता है। तो अब इसमें मैंने जो सॉटे की हुई सब्जियां थी वो डाल दूंगी। देखिए सब्जी मैंने इसमें डाल दी है। अब इसमें मैं काली मिर्च का पाउडर डालूंगी और लाल मिर्च का पाउडर और नमक और कुटी लाल मिर्च और दूध। दूध से ये बहुत ही फ्लफी सा बनेगा। तो अब इनको अच्छे से आपने फेंट लेना है, बिल्कुल इसका मिक्सचर जो आपने अच्छे से फेंट लेना है, और हमारा ऑमलेट रेडी हो गया। इसको साइड पे कर देंगे और एक प्लेट लेंगे। इसमें जी हम अपनी ब्रेड रखेंगे, मतलब पहले हम अलग से सैंडविच को रेडी करेंगे। मैंने एक ये ले लूँगी और अगर अभी मैंने 2 ब्रेड ले ली हैं, आपको छोटी तो आप छोटी 2 यूज़ कर ले, मेरे पास बड़ी थी तो इसलिए मैंने इसका 1/2 1/2 कर लिए। अब दोनों में मैं केचप स्प्रेड करूँगी। आप स्प्रेड अपनी मर्ज़ी से कोई भी चीज़ कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों को मायनीज पसंद है तो मायनीज कर लें, या केचप पसंद है तो केचप कर लें। इस पर मैं हल्का हल्का सा जो है केचप दोनों पर लगा लूँगी, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा। अब ये केचप लगा ली है मैंने। अब इसके साथ ही मैं इसमें जो है चीज स्लाइस वो रखूँगी और इसको बंद कर दूँगी। इस तरह से ही मैं सारे रेडी कर लूँगी। अब मैंने एक फ्राई पैन ले लिया, उसमें मैं 1 टेबल स्पून जो है और मक्खन डाल रही हूँ और थोड़ा सा ही मैं इसमें आयल डाल दूँगी। इससे ये फ़ायदा होता है कि जो है आपका जो ऑमलेट है वो जलता नहीं है, और आपने इसको पेशेंस से बनाना है हल्की आंच पर। अब जैसे ही मक्खन और ऑयल गर्म हो जाएगा, ऑयल गर्म होते ही मैं ऑमलेट का जो मटेरियल है वो डाल दूँगी। अब इसको मैं फैला लूँगी सारे को। अब जैसे ही थोड़ा सा आप पकने के करीब हो जाए, साइड्स आपको नज़र आ जाएगी पक गई, तो अब मैं अपना जो सैंडविच है ये बीच में रख दूँगी और उसको हल्का सा प्रेस कर दूँगी ताकि ये इसके साथ चिपक जाए।
और जैसे ही आपको लगे ये थोड़ा सा पक रहा है, ना तो ज़्यादा कच्चा हो ना ज़्यादा पक्का, तो इसको जो है आपने इस तरह से इसके साथ चिपकाना है, फोल्ड करना है इसको सारे को। अब ये देखिए एक साइड पक गई है और दूसरी साइड भी पक चुकी है, तो ये अब ये देखिए हमारा जो है इसको इस तरह से आपने प्रेस कर देना है ताकि ये पक जाए, और ये हमारा दूसरी साइड से भी रेडी हो चुका है। और अब इसको निकाल लूँगी और इसी तरह इसे सारे रेडी कर लूँगी। ये देखिए हमारे मज़ेदार से जो चीज़ ऑमलेट टोस्ट रेडी हैं, आप इनको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और नाश्ते में भी कर सकते हैं। और ये देखिए ये जैसे बहुत ही चीज़ी होंगे, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।